Hello students, how are you? In this video, I am giving you some vocabulary information regarding for class 6, 7th and 8th. क्योंकि vocabulary section आप लोगों के तीनों classes में जो है chapter के end में दे रखा है. आप index में जाके देख सकते हो. आपके chapter है vocabulary, जिसमें homophones हैं, one word substitution है, ये सारे हैं. तो इन्हीं के बारे में आज थोड़ा मैं आपको समझाने वाली हूँ. तो homophones are the words that have the same pronunciation but different spellings and different meanings. The list below shows some of the common homophones with their meanings and uses in their sentence. तो homophones होते हैं जिनकी pronunciation तो same होती है, लेकिन कई बार उनकी spelling अलग हो जाती है और उनके जो meaning है वो भी अलग हो जाते हैं. जैसे air, air means atmosphere. Let's go out and have some fresh air. Inheritor, uncle, the law of some countries. The eldest son is usually the higher. यानी कि जो अगला राज करने वाला होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि नॉमिनी हमारा जो होता है वो. तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स दे रखे आपने. फर्स्ट 25, आई एम रिपीटिंग, 1 से लेके 25 तक अपने अपने नोटबुक में करना है. पहले आप लोग डालेंगे सबसे ऊपर वोकैबुलरी सेक्शन, फिर आप डालेंगे होमोफोन्स, फिर आप डालेंगे होमोफोन्स की मीनिंग लिखेंगे. आप तीनों की क्लास के बुक्स में, रिलेटिव बुक्स में जो है उसमें दे रखे हैं. उसके बाद आपने 1 से लेकर 25 तक होमोफोन्स करने हैं. देन नाउ वी आर कमिंग टू द एंटोनियम्स. एंटोनियम्स मीन्स अपोजिट. आप लोगों ने छोटी क्लास में अपोजिट पढ़ा होगा, गुड बैड, हियर देयर, इसी तरीके के वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एंटोनियम्स. अब क्योंकि हमारा क्लास का लेवल बढ़ गया है तो उसी अकॉर्डिंग हमारे वर्ड्स के लेवल भी बढ़ गए. अ वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर इज कॉल्ड एंटोनियम. प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी वर्ड है उपसर्ग और उसका इंग्लिश मीनिंग होता है हमारा प्रीफिक्स. लाइक दिस, इन, अन, इल, इम, जैसे हमने करा लाइक, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, डिसलाइक. तो डिसलाइक में हमने उपसर्ग कौन सा यूज़ किया है, डिस, प्रीफिक्स. बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज एंटोनियम्स. तो इसमें भी आपने एटलीस्ट 50 वर्ड्स लिखने और उनके एंटोनियम्स लिखने. 1 से लेकर 50 वर्ड्स आप लोगों की नोटबुक्स में होने चाहिए और विद देयर एंटोनियम्स. ये हो गए आपके एंटोनियम सेक्शन. नाउ द थर्ड सेक्शन वॉट वी आर डूइंग इज सिनोनियम. सिनोनियम आप लोग भली भांति परिचित हो हिंदी में, जिसे हम कहते हैं पर्यायवाची. अ सिनोनियम इज अ वर्ड दैट इज सिमिलर और नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू अनदर वर्ड. द वर्ड कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड मीनिंग्स एसोसिएटेड एंड नेम. इन मैनी केसेज वन वर्ड इज सिनोनियम इज ग्रुप विल सर्व द सेम पर्पज एज अनदर इन द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, a small boy and a little boy or a smart idea or a clever idea means the same, but it is not always so. The words dull and stupid are synonymous, and to use them, a dull person or a stupid person may not sometimes make a difference. But we may say a dull blade or a knife, but we never say a stupid blade or a knife. कहने का मतलब ये है कि synonym का मतलब तो होता है, हालांकि पर्यायवाची की दोनों जो है एक दूसरे के मीनिंग के पास ही होते हैं, आसपास ही होते हैं. तो लेकिन हर जगह हर वर्ड का यूज़ जो है सही हो ये ज़रूरी नहीं है. तो इसके लिए हमें चाहिए होता है कि हम करेक्ट वर्ड का यूज़ करें. जैसे लास्ट में एग्जांपल दे रखा है हमें, अ डल ब्लेड ऑफ अ नाइफ, यानी कि नाइफ का जो ब्लेड है वो काफ़ी डल है. लेकिन हम कभी ये नहीं कहते अ स्टूपिड ब्लेड, क्योंकि डल और स्टूपिड जो है सिनोनिमस है. लेकिन इसका जो यूज़ है हम लोग हर जगह एक जैसा नहीं कर सकते हैं. तो ये हैं वर्ड्स आपके सिनोनियम्स. सिनोनियम आपने 1 से लेकर 25 तक करने हैं अपनी नोटबुक्स में. द नेक्स्ट पार्ट इन द वोकैबुलरी सेक्शन इज स्माइली. इन इंग्लिश देर आर स्ट्राइकिंग कंपैरिजन. सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड आर गिवन एज बिलो. दे गिव्स विविडनेस एंड फ्रिक्वेंसी टू आर लैंग्वेज. जैसे हम कहते हैं एकदम शेर की भांति बहादुर, तो हम इसमें क्या है, जैसे रूपक अलंकार में हम किसी चीज़ का
की तुलना हम जब करते हैं तो हम उसे किसी और व्यक्ति से या वस्तु का एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। तो इन्हीं तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं हमारी बुक में स्माइलीज के। यू हैव टू डू इट 1 से लेकर 25 तक अपनी अपनी नोटबुक्स में कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आते हैं ये। स्माइलीज हो गए, सिनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, और ये एक एक दो दो मार्क्स के तो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर इसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं और इन्हें छोड़ देते हैं। तो दीज वर द स्माइली सेक्शन ऑफ वोकैबुलरी पार्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देर इज़ अ वर्ड फॉर्मेशन। वी आर मेकिंग नाउन फ्रॉम अ गिवन वर्ब। जैसे एबसेंट वर्ब है और इसका जो नाउन फॉर्मेशन होता है वो होता है एबसेंस। तो कई बार हमारे पास जब एग्ज़ाम में हमारे पास वर्ब हमें दे रखी होती है, उसका नाउन हमें फॉर्म करना होता है, या नाउन दे रखी हो हमें उसका वर्ब बनाना हो, तो हमारे आप लोग जो हैं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए ये वोकैबुलरी सेक्शन आपके लिए एक छोटे से रूप में आपको बताया गया था। अगर आप इसको या इनकी एक्सरसाइज वर्क कर लेते हैं तो भी आपके लिए ग्रेट हेल्प होगी। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और मैं जब नोटबुक्स चेक करने के लिए मंगाई जाएंगी, आई विल जस्ट चेक इट एंड गो थ्रू इट। इट इज़ कमिंग इन योर सेप्टेम्बर असाइनमेंट। तो प्लीज़ डू इट एंड डू इट वेरी वेल, नाइसली। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।